वेलकम दोस्तों, ऐसे में तो कोर्स ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जन आधार कार्ड के विशेष योग्य जन कैंडिडेट के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे निवासी जो विशेष योग्य जन की श्रेणी के अंदर आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक अपडेट है। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर दोस्तों ये अपडेट आया है जन आधार कार्ड विशेष योग्य जन कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है विशेष योग्य जन के उन सभी को ये काम करना अनिवार्य है। नहीं तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है दिव्यांग की श्रेणी के अंदर, वो श्रेणी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों विशेष योग्य जन की श्रेणी में जो आप लाभ ले रहे हैं दोस्तों उस लाभ को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी को जन आधार कार्ड के अंदर ये काम करना जरूरी है। जो कैंडिडेट विशेष योग्य जन की श्रेणी के अंदर आते हैं जिन्होंने वो काम करवा चुके हैं तो उनको यहाँ पर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने अभी तक यहाँ पर विशेष योग्य जन का प्रमाण पत्र नहीं दिया है जन आधार कार्ड के अंदर, वो सभी विशेष योग्य जन जन आधार कार्ड के अंदर अपना प्रमाण पत्र दे विशेष योग्य जन का, ताकि आप योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जन आधार कार्ड पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपडेट करने पर ही मिलेगा योजना का लाभ। तो दोस्तों जन आधार कार्ड के अंदर स्वावलंबन पोर्टल से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाने वालों को ही अब सरकारी योजना से लाभान्वित होने के लिए प्रमाण पत्र को जन आधार पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा। बिना प्रमाण पत्र अपडेट उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप विशेष योग्य जन का प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करते जन आधार कार्ड के पोर्टल पे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के जिला अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि भारत की ओर से 1 अप्रैल से स्वावलंबन पोर्टल से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में जिले के दिव्यांगों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल से बनाए गए प्रमाण पत्र को जन आधार पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। 1 मार्च से दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वावलंबन पोर्टल से जारी किए जा रहे हैं। इसके चलते पोर्टल से जन आधार पोर्टल पर दिव्यांगजन के डेटा को अपडेट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने पोर्टल से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उन्हें इसे जन आधार में अपडेट करना होगा। प्रमाण पत्र और UID कार्ड को जन आधार पोर्टल पर अपडेट करवाने के बाद ही पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जन आधार कार्ड के अंदर विशेष योग्य जन का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और दोस्तों स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से आप प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और दोस्तों UID कार्ड जो होता है दोस्तों, डिसेबिलिटी जो कार्ड होता है वो भी आपका बना हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है विशेष योग्य जन को, उसका लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ये दोनों प्रमाण पत्र होंगे। इसलिए दोस्तों आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास विशेष योग्य जन का प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों आपको पास के ई मित्र पे जाकर आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना है विशेष योग्य जन का, और जन आधार कार्ड के पोर्टल पे जाकर आपको अपडेट करवा देना है ताकि आप सरकारी योजना का लाभ ले सकें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।